चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और सही सलामत होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ और मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। इस बीच मैं बहुत सारा ब्लॉगिंग ट्राई कर रही थी लेकिन सच बोलूँ तो हो नहीं रहा था। इसके जो सारे रीज़न है मैं वीडियो में बता दूँगी। मतलब धीरे धीरे मैं एक 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 पन्ने को मैं जब पलटूँगी ना तब आपको पता चल ही जाएगा। तो सुबह से बहुत सारा काम हो गया है, एक्चुअली ब्रेकफास्ट बनाना हो गया है। इतना सुबह सुबह क्यों इतना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं बोलूँगी ब्लॉग में आगे जाके। तो अभी मैं थोड़ा सा फेस वॉश कर लेती हूँ और मुझे ड्रेस भी चेंज करना है। अभी तो आपको यहाँ तक सही लग रहा है ड्रेस, लेकिन इसके नीचे ना ड्रेस पूरा गंदा हो चुका है क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मिक्सर जैसे चलाया चटनी के लिए, चटनी पूरा मतलब ऊपर आ गया और मेरे सारे बॉडी पे गिर गया। तो इसीलिए मैं अभी ड्रेस चेंज करूँगी और अभी आपको मैं मिलती हूँ। मतलब जस्ट ड्रेस चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आज कितना सुंदर लाइट सा मौसम है। इसको लाइट मौसम ही बोल सकते हम। ओ यस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम खोला। खोला रानी बड़े सयानी, खोला रानी बड़े सयानी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम छत। बहुत दिनों के बाद आज ऊपर आई हूँ, बहुत दिनों के बाद। तो मुझे याद ही नहीं कि मैं लास्ट कब आई थी। इतना सुंदर लगता है ना यहाँ पे आने के बाद, मतलब दिल भर जाता है मुझे। और शायद बारिश होने वाला है। जो सामने के आइलैंड्स दिखता है ना, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो रहा है और यहाँ पे शायद थोड़ी देर में आ जाएगा। तो एक अलग सा सुकून है यहाँ से सामने की तरफ देखना। अभी सुबह के बज रहे 8:30, तो चहल पहल शुरू हो गया। ऑब्वियसली सब स्कूल जा रहे हैं, स्कूल खुल गया है 9 to 12 और शायद 6 to 8 भी शुरू हो जाएगा। प्राइमरी अभी तक शुरू नहीं हुआ है लेकिन टीचर्स को जाना पड़ रहा है स्कूल में, मेरी मम्मी को जाना पड़ रहा है स्कूल में। हालांकि बच्चे नहीं आते लेकिन स्कूल का जो अदर एक्टिविटीज़ है वो टीचर्स को वहाँ पे आके स्कूल में आके करना है। ये कैसा लगता है आपको? मुझे तो बस मन करता है मैं यहीं पे बैठ जाऊँ काम करने के लिए। सोच रही हूँ आज ऊपर आके काम करूँ, फ्रेश लगता बहुत। लेकिन ऊपर में वाईफाई नहीं आएगा, फोन का इंटरनेट से काम करना पड़ेगा और चार्जिंग का प्रॉब्लम होगा। जब मम्मी घर पे थी ना, मम्मी वहाँ पे बैठी हुई थी, मुझे याद है हम लोग यहाँ पे बैठे के बातें कर रहे थे। मैंने यहाँ से मम्मी का एक फ़ोटो भी लिया था। आई रियली मिस माँ। दिन पहले मैंने एक व्लॉग दिया था जिसमें मैंने बात ही नहीं किया था, और मेरे जैसे पर्सन के लिए ऐसी व्लॉग देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं चुप बैठूँ। बहुत सारा बार मैं बात करने भी वाली थी लेकिन मैंने बात नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग कुछ करते हैं। आप लोगों को वो वीडियो अच्छा तो लगा लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि आप जिस वीडियो में बात करते हो वीडियो में अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऐसे सारे कमेंट आने से ना बहुत हौसला मिलता है कि आप जो कर रहे हो, आप जिस डायरेक्शन पे जा रहे हो, दैट इज़ द एग्जैक्ट राइट पाथ। एक्चुअली उस वीडियो डालने के बाद मुझे और भी ब्लॉग करने का मन कर रहा था लेकिन मैं इसीलिए ब्लॉग नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमारी दीदी एक्चुअली बहुत दिन से बीमार चल रही थी और मैं घर का काम साथ में ऑफिस का काम मैनेज बहुत मुश्किल से कर रही थी एक्चुअली। तो आप सबको पता है दीदी खाना बनाती है आजकल हमारे घर में। तो मम्मी जाने के बाद उन्होंने बस एक ही दिन छुट्टी लिया था और वो भी छुट्टी के दिन था, मतलब वो कहीं पे जाने वाली थी। तो हम प्रिपेयर्ड थे लेकिन इस बार ना हम प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं थे और ऑफिस का काम भी मेरा अचानक से इतना ज़्यादा आ गया कि मैं बहुत मुश्किल से एक्चुअली मैनेज करी। तो इसीलिए मैं एक्चुअली व्लॉग नहीं कर रही थी। और साथ में मैंने जन्माष्टमी के दिन थोड़ा सा व्लॉग किया था। थोड़ा सा बस किया था उस दिन भी, ऑफिस था और भी कुछ कुछ दिन थोड़ा थोड़ा व्लॉग में कर रही थी। जो भी होगा मैं यहाँ पे कंबाइन करके दे दूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं एक्चुअली ट्राई करी थी। दीदी आज ही एक्चुअली आ रही है, आज ही आई नहीं है, आ रही है। मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट सब कुछ बना दिया है, इडली
डोसा डोशाई मैं केरला जाके अच्छा डोसा बनाना और इडली बनाना सीख गई थैंक्स टू कोची एंड आंटी। आप सबने देखा होगा मैंने आंटी से कैसे डोसा और सांभर भी सीखा था साथ पे इडली भी सीखा था। तो एक्चुअली आंटी का प्रोसेस ही मैं अप्लाई करती हूँ। चटनी बनाया दो टाइप का चटनी नारियल चटनी और एक है पीनट चटनी टमाटर के साथ। थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्या? हाँ मैं धीरे बोल रही हूँ कि अचानक से अगर कोई आ जाता है तो सोचेगा कि किससे बातें कर रही हूँ, अजीब लगेगा। अच्छा बैक टू इडली चटनी स्टोरी। तो वो सब सुबह उठ के बनाई मैं रात को, कल ही मैं रात को आधा प्रिपरेशन करके रखी थी और क्या हुआ पता है, हड़बड़ी में काम करने से जो होता है रात को भी वही हुआ, पूरे ड्रेस पे मिक्सर पूरा आ गया खोल के और आज भी वही हुआ चटनी बनाते वक्त। कल मैंने लंच के लिए भी चिकन करी बना के रखा था क्योंकि ऑफिस के काम के वक्त में कुकिंग नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने लंच के लिए चिकन करी बना के रखा था। और अभी आज तो इडली डोसा बना लिया है, अभी दीदी आके बस एक सब्जी बनाएगी क्योंकि नानी चिकन नहीं खाती है। तो मैं सोच रही थी कि सुबह उठ के कुछ तो नानी के लिए बनाऊंगी लेकिन दीदी आ रही है तो दीदी को ही बना देंगे, थैंक गॉड वो आ रही है। ये था मेरा एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड क्यों मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं थी ब्लॉग शूट के लिए, मतलब मुझे थोड़ा सा शांति चाहिए होता है लेकिन मुझे हड़बड़ी 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 और उसके साथ थोड़ा सा टायर्डनेस भी आ जाता है और टायर्डनेस जैसे ही आता है मैं हो जाती हूँ चिड़चिड़, मुझे तब मेंटल पीस नहीं लगता है। तो कल तो पूरा मैं थक गई थी, आपको मैं क्या बोलूँ, ऑफिस का काम करके मैं 9:30 बजे तक बस कुकिंग 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 करी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो का थोड़ा सा शूट किया, जो आलू लड्डू है ना शूट नहीं सॉरी एडिट किया, तो वो आलू लड्डू वाली वीडियो मैंने थोड़ा सा एडिट किया एंड देन आज के दिन मैं उसका थोड़ा सा और टचअप देने वाली हूँ एंड आज तो वीडियो जाएगा और कल शायद ये ब्लॉग चले जाए। मैं ये जो ब्लॉग शूट कर रही हूँ खुश हूँ कि अभी तो दीदी आ रही है तो अभी मैं बैक टू ब्लॉग में आ जाऊँगी। एंड मम्मी तो मोहनपुरा में है, मम्मी वहाँ से बस मुझे हौसला ही दे रही है एंड मम्मी शायद नेक्स्ट मंथ आएगी क्योंकि नेक्स्ट मंथ है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का जैसी सीज़न आता है ना अलग से खुशी आ जाता है, मेरे लिए दुर्गा पूजा बहुत मैटर करता है, बहुत सारा खुशी है, बहुत सब कुछ आता है, माँ लेकर आती है और हमें लेकर जाती है। माँ आने वाली है अपने सारे बच्चों के साथ तो आप सबको दुर्गा पूजा आने का जो खुशी है ये भी शायद महसूस हो रहा होगा, है ना, जो भी सारे लोग मतलब मनाते हो दुर्गा पूजा। तो चलो मैं अभी जाती हूँ नीचे, ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड देन उसके बाद मैं ऑफिस का काम के लिए बैठ जाती हूँ। तो देखोगे क्या कि आजकल हमारी छत पे कैसा सजाए है, यहाँ पे एक वीडियो थोड़ा सा चैटी हो रहा है ना, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेना दोस्तों। तो वीडियो ना थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा बोलकर मैं इतना डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ लेकिन ये देखो ये है कुछ यहाँ का सेटिंग और बहुत सारा फूल आ गया है। मैं अभी इस फूल का एक फ़ोटो लेकर मेरा इंस्टाग्राम में देने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हो यार? नहीं जल्दी जल्दी फॉलो कर लेना ठीक है। कितना सुंदर लग रहा है ना, इसको हम लोग एक्जोरा बोलते हैं लेकिन इसका अलग अलग नाम है, कोई अशोक भी बोलता है। तो चलो अभी जाते हैं घर पे क्योंकि लेट हो जाएगा फिर, ना तो काम है ना तो कुछ है, बस खाना खाओ सो जाओ, सबको काटो डराओ, है ना। खोलो खोला खोला उठ जा खोला 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 घुमा। तो ये प्लेट में आपको जो कुछ दिख रहा है ये सारा मेरा क्रिएशन है, डोसा इडली साथ में टमाटर सांभर, ये है टमाटर पीनट चटनी एंड ये है रेड कोकोनट चटनी। कैसा लग रहा है आपको, यम्मी लग रहा है ना। मैं इसीलिए थोड़ा धीरे बात करी क्योंकि कोला यहाँ पे सो रही है और अगर उसको पता चल गया कि खाना आ गया तो एकदम वो पागल बन जाती है। तो चलो ओम साई राम, खाते हैं इस खाना को। हाँ खाना का पहले मैं कुछ पीऊँगी अभी, तो वो मैं पी लेती हूँ पहले उसके बाद खाऊँगी। क्या पीती हूँ वो भी मैं बताती हूँ अभी 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 जस्ट। तो ये मैं पीती हूँ, ये है सौंफ का पानी, जस्ट सौंफ को भिगो के रखा पानी में और ये वाला पानी मैं पीऊँगी, ये शरीर के लिए अच्छा है, आपके शरीर को ठंडा रखता है। तो पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो, मज़ा नहीं आ रहा है खा के आज, मतलब पी के। बंगाली लोग सब कुछ खाते हैं।
बहुत दिन बाद मैं आपको स्किन केयर करते हुए दिख रही हूँ, है ना। बारिश आने का पहले जैसा गर्मी होता है ना, वैसा ही गर्मी मुझे भी लग रहा है। हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट, इसके बाद लगाऊंगी सनस्क्रीन एंड हैप्पी हर्ब्स। स्किन केयर भी हो गया है, पानी भी पीना हो गया, खाना भी खाना हो गया है, तो अभी मैं आपका काम में जाती हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, मैं चली ऑफिस, मैं मिलूंगी आपको थोड़ी देर में, मतलब थोड़ा सा काम करने के बाद, जब मैं छोटा सा एक ब्रेक लूँगी। बाय बाय। ही हो रहा है 10:30 और इस समय में मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ फॉर माई फ्रूट्स ब्रेक। तो हर वक्त हमेशा नहीं खाती हूँ, जब होता है घर पे तभी। तो आज खा रही हूँ पपाया और बनाना, तो इतना ज़्यादा नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा और खाऊंगी और उसके बाद स्टॉप कर दूंगी। एक फन फैक्ट बताती हूँ, मुझे पपाया इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। और मेरी मम्मी को पपाया का नाम से उनको अजीब सा लगता है, उनको पपाया का स्मेल नहीं पसंद है। और आई फील दैट पपाया इज वन ऑफ द, क्या बोलूँ, इट बेस्ट फ्रूट्स एक्चुअली। इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इतना ज़्यादा अमेजिंग होता है। मुझे बनाना नहीं पसंद, लेकिन मेरी मम्मी को ऐसा है, पपाया बिल्कुल मत दो। आई डोंट नो मेरे और मम्मी का अंदर से ज़मीन आसमान का फ़र्क कहाँ से आया है। तो मैं जस्ट नहा कर आई हूँ, पूजा देना भी हो गया, अभी खाना खाने जाएंगे। खाने में क्या क्या है जाकर बताती हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, देखते नहीं है, मुझे पता ही है क्या क्या बना, क्योंकि मैं कल ही चिकन करी बना के रखी थी, जो शायद आपको बोल दिया था, और दीदी ने आके कुछ तो बनाया है। वो दीदी का क्या बना हुआ है वो देखते हैं। चलिए खाने में है चिकन करी, करेला फ्राई, ये तुरई और आलू और प्रॉन का एक करी दाल, और ये है सैलड। भयंकर से इमली खाने का मन कर रहा है, और कल से मन कर रहा था, तो आज मैंने बना ही दिया इमली का इंस्टेंट एक चटनी टाइप की। दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे मैं किचन में नानी को लगा शायद मैं चाय बना रही हूँ, तो नानी ने कहा कि मेरे लिए भी चाय बनाना, तो मैं चाय बना देती हूँ उनको। मैं तो चाय नहीं पीऊँगी, जस्ट गर्म पानी पीऊँगी, और ये चटनी थोड़ी देर में खाऊँगी। ओ गॉड, ये इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं कटोरी में लेकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है झटपट सा इमली का चटनी, जो ऐसे जस्ट चखने के लिए है। एक स्टिक आता है ना इमली पिकल, टैमरिंड पिकल, वैसा वाला। ओ गॉड, इतना यम्मी लगता है ना ये। ये देखो, अब ये इसको खाऊंगी और आप सबको जलाऊंगी, और आप जब तक ये देखोगे तब तक ये मेरे पेट में जाके हजम भी हो गया होगा। मस्त हुआ है, सुपर। बड़े भाई को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, पता है। स्पेशली ये अगर वैसा वाला इमली होता था ना, मतलब फ्रेश पेड़ से तोड़ा वाला, और भी मज़ा आ जाता। वो तो हम हाथ से ऐसे मिलाकर बनाते थे, वाओ। शाम हो गया है, 5:12 हो गया है, थोड़ी देर में बड़े भाई भी आ जाएगा, छोटे भाई भी आ जाएगा, अभी तक कोई भी नहीं आया है। तो आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मार्केट जाऊँगी, पता नहीं जा पाऊँगी या नहीं। यार ऑफिस के दिन में ऐसा ही होता है, मैं घर से ही ऐसी थोड़ा बहुत काम करती हूँ, उसके बाद ऑफिस में ही सारा सा दिन चले जाता है, कहीं पर बाहर जाना होता नहीं। और स्पेशली लास्ट एक महीने से मैं बाहर उतना जा ही नहीं रही हूँ, मतलब मैं लास्ट बाहर गई थी जब मैं मंजरी गई थी उसी दिन, उसके बाद और मैं नहीं गई। इसीलिए मैं शाम को जो राउंड लगाने जाती थी वो अभी नहीं, एक्चुअली कुछ दिन से बंद है। आज देखती हूँ, अगर गई तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत जाऊँगी। मुझे नहीं लगता आज मैं बाहर जाऊँगी, तो अभी बज रहा है एक्चुअली 6 बजा है, छोटा भाई बाहर से अभी आएगा, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा कुछ खाने का प्रिपेयर करके रखती हूँ, क्योंकि बेचारा दोपहर को खा के जो निकला अभी तक नहीं आया, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ क्रिस्पी डोसा। मैं जो बैटर बनाया था वो बहुत ज़्यादा रह गया था, एक डोसा अपने लिए भी रख दूँगी ताकि मेरा रात का डिनर हो जाए, तो मैं वही अभी बना रही हूँ, बन जाए तो फिर से ऑफिस का काम करने बैठ जाऊँगी। दो डोसा ऑलरेडी तैयार है, यहाँ पे एक डोसा बन रहा है, एकदम कुड़कुड़ा बनने वाला है, क्योंकि मैं अपने लिए बनाऊँगी, इसमें तेल ज़्यादा नहीं दूँगी, बस क्रिस्पी करना है मुझे इसको अच्छे से। टूट गया है एक कॉर्नर वाला, लेकिन ये देखिए कितना परफेक्ट बना है, और ये भी कितना अच्छा बना है, देखिए। प्लीज़ इग्नोर दिस वन, इससे अच्छा काम होता है बोल के हम यूज़ करते हैं।
और हमारे घर में जब तक यहाँ तक ना टूट जाए तब तक यूज़ कर देंगे, मुझे वो भी पता है। तो जनरली डोसा का ये साइड मैंने जितना भी लोगों को देखो फ्राई नहीं करते, लेकिन मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, थोड़ा सा जस्ट। ये तो कितना अच्छा हुआ है देखो, है ना, एकदम परफेक्ट राउंड एंड क्रिस्पी डोसा होने वाला ये वाला। तो मेरा रात का डिनर रेडी है, सांभर एंड डोसा, चलो खाते हैं। अभी बज रहा है 6:20, तो मैं 7 बजे के पहले खा लेती हूँ, तो चलो खा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो छोटे भाई ने लाया है मेरे लिए फ्लावर, मुझे लगता है कोई गुलदस्ता उलदस्ता से ला दिया है मेरे लिए, लेकिन जो भी है चलो भाई ने जो लाया है उसी को प्यार करिए। चलो उसको खाना दे देती हूँ। तो हम सोचे थे हम बाहर जाएंगे, लेकिन बारिश 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 होगा नहीं होगा शायद, जाना मेरा किस्मत में ही नहीं खा लिया है। एक्चुअली मुझे बहुत दिन से ऑफिस में इतना स्ट्रेस हो रहा है ना, मुझे कंसेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं सोची थी आज थोड़ा सा राउंड लगा के आऊँगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये बारिश ही कम नहीं हो रहा है। तो बाहर जाने की आज ऐसी तलब लगी है कि आज रेनकोट पहन के जा रहे घूमने, थोड़ा काम भी है साथ पे, चक्कर लगा के आएंगे। वो भी ऐसा नहीं कि यहाँ से हम दूसरे कहीं पे जाने वाले, मार्केट में जा के आएंगे बस। तो चलो तो कोला के साथ, नहीं 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 नहीं, कोला ओनली कोला ओनली कोला, नो नो नो, कोला कोला ओनली कोला, तोर नाम कोला ना, ओनली कोला, अच्छा कोला। बाहर जाने के बाद ना मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं करी, क्यों पता है, क्योंकि बारिश हो रहा था और मेरे तो फ़ोन से मैं शूट करती हूँ, तो अगर उसमें एक ड्रॉप भी पानी आता ना तो जाता। क्या है ये, वही ट्राउज़र है जो मैं पहन के गई थी, वो पूरा भीग गया। तो आप सबको पता होगा मिडिल क्लास फैमिली में ना ऐसे चेयर ही होता है अच्छा सूखने का जगह, क्योंकि तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है ना। तो अभी मैं खाना, तो मेरा डिनर तो हो ही गया है आपने देखा होगा, अभी मैं एक्चुअली एडिटिंग करूँगी। और छोटा भाई कहाँ पे गया है, शायद सम्राट को बुक देना है उसके लिए शायद गया है अभी। सो बड़ा भाई अभी तक ऑफिस से नहीं आया, उसका ऑफिस में बहुत काम है। तो अभी मैं करने वाली वीडियो एडिट, खाना तो है ही ऑलरेडी, दीदी ने भी बनाया था, और चिकन करी भी थोड़ा सा है, वही हो जाएगा, तो अभी कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी करूँगी थोड़ी देर में एडिट एंड नहीं 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 वीडियो अभी मैं एंड नहीं कर रही हूँ, आप कैसे मन सोचो, मुझे ना वीडियो के एंड में कुछ तो बोलना था, जो कि अभी मुझे वीडियो के एंड में बोलना था ना, तो अभी मैं क्यों सोच रही हूँ, अरे दिमाग में इतना स्ट्रेस नहीं डालने का, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर। आपको पता है टाइम कितना हो रहा है, एग्जैक्ट 9 बज गया है, लेकिन बड़े भाई अब तक नहीं आया है। आज उसको ऑफिस में इतना सारा काम होगा कि फंस गया है। नानी छोटा भाई, मैं उनको भी बोलती हूँ कि आप लोग खा लो, जब भी आएगा खा लेगा, और ऑब्वियसली वो जहाँ पर भी होगा मुझे लगता है वो मतलब और भी जो सारे उसके कलीग्स होंगे ना सब एक साथ कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो यही है, मेरा वीडियो एडिट हो गया है, मैंने ज़्यादा, मैंने बोला था ना कि कल मैंने आधा वादा करके रखा था, वही आधा को आज कंप्लीट किया एंड थोड़ा सा वॉइस ओवर दिया एंड अपलोड हो गया। आज मुझे बस सोने का मन कर रहा है, थोड़ा सा बाहर घूम के आई ना, ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सब। आई रियली लव दिस टाइप ऑफ मौसम एक्चुअली। आपको आवाज़ आ रहा है बारिश का, पूरा दिन मतलब दोपहर से शुरू हुआ और कंटिन्यूस बारिश हो रहा है। ज़्यादा सुना नहीं पाऊंगी, लेकिन ये गाना किसको किसको ज़्यादा पसंद है बताना मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना सुंदर गाना है ना ये वाला। मेरा छोटा भाई जब भी व्लॉग में आ जाता है तो एकदम मेरा व्लॉग हिट हो जाता है। भाई आ गया है फाइनली एंड आने के बाद सबने खाना वाना खा लिया, मतलब छोटे भाई और नानी ने तो खा ही लिया था, भाई ने भी खाना खा लिया, बहुत टायर्ड है तो इसलिए चले गया है अपने बेड पे सोने के लिए। छोटा भाई ने यहीं पे बात करते करते यहीं पे सो गया, मतलब इसी बेड पे सो गया, और मैं जस्ट वीडियो एडिटिंग करके उठी हूँ, तो अभी वीडियो लाइव भी चलेगी आली ब्लड वाली। अभी मुझे बहुत टायर्ड लग रहा है, लेकिन मुझे स्किन केयर करना है, हेयर केयर करना है, उसके बाद ही मुझे सोना है। तो मैं जस्ट 5 मिनट में रेस्ट लूँगी और उसके बाद मैं
सारे क्या कहते हैं हेयर हेयर हाँ हेयर केयर और स्किन केयर करूँगी। तो मैं थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि छोटा भाई यहाँ पे सो रहा है। वैसे तो जगता नहीं, मैं अभी गाना भी चला रही थी, उसे कुछ उठता नहीं क्योंकि वो बहुत टायर्ड रहता है, पूरा दिन काम में रहता है। तो इसीलिए बस बात है, देखो मेरा फेस सुबह से कितना ज़्यादा स्वेल्ड अप लग रहा है ना, ऐसा मुझे होता है पता है। मतलब कभी कभी मेरा फेस इतना बड़ा सा लगता है, कभी कभी ठीक ठाक लगता है, मतलब इतना छोटा नहीं बोलूँगी। कभी कभी तो सुबह थोड़ा ठीक लग रहा था लेकिन अभी तो बहुत बड़ा सा लग रहा था। तो मैं आ गई हूँ अपने नाइट स्किन केयर के साथ, वही घिसा पीटा पहले रोज वाटर। इसलिए मैं मेरे फेस को क्लेंस करती हूँ एक्चुअली विद माय फेवरेट क्लेंजर विच इज एरोमा मैजिक टी ट्री फेस वॉश। और उसके बाद जैसी ये रोज वाटर सूख जाए मैं मेरे फेस पे लगाऊंगी ये क्रीम, जो कि अप्रॉक्स मुझे 3 से 4 मिनट लगेगा इसे सूखने। तब तक मैं क्या करूँगी, वीडियो ऐसी कुछ भी बस। तो सूख गया है, अभी लगाऊंगी ये वाला क्रीम। ये वाला क्रीम का मैंने रिव्यू दे दिया है, आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, जस्ट डॉट 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 हर एक जगह पे। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे नियासिनामाइड या फिर कोई भी एक्ट जैसे विटामिन सी या फिर रेटिनॉल ऐसा कुछ तो लगाओ, लेकिन मैं ना अभी तक उतनी क्या बोलूँ आपको कॉन्फिडेंट नहीं हूँ फॉर एक्टिव्स, क्योंकि एक्टिव्स लगाने से आई हैव सीन पीपल कि अगर वो अच्छे से केयर नहीं करते हैं तो उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम मैंने देखा है। एंड मैं ना थोड़ी सी लेजी हूँ कभी कभार कुछ कुछ चीज़, मतलब मुझे वो लेयरिंग नहीं आएगा अगर करने तो जो ये स्किन है ना ये भी चले जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं करती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रोक रही हूँ, अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। देयर आर मेनी वीडियोज़ इन यूट्यूब जिसमें कि वो एक्टिव्स के बारे में बोले हैं, ठीक है। तो एक्टिव्स अभी तक के लिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन फ्यूचर में भी कर सकते हो। अभी तक के लिए मैं क्या बोलूँ उस वर्ड को, मैं खुद को उतना काबिल नहीं समझती कि मैं यूज़ कर पाऊँगी एक्टिव्स को। अभी जो ये CTM है नॉर्मल ये ही ठीक है, बाद में देखा जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब लास्ट में जो मैं ये वाला लगाती हूँ ये स्पेशली उन सारे जगह पे जहाँ पे कि आपको डार्क पैचेस या फिर डार्क स्पॉट है, जैसे मेरे अंडर आइज में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। तो इसके बाद होगा हेयर केयर। तो हेयर केयर में मेरा एक्चुअली ऑयल ख़त्म हो गया है, मेरा चिली हेयर ऑयल ना ख़त्म हो गया है, तो मैं अपना होममेड ऑयल यूज़ करूँगी, चिली ऑयल थोड़ा सा यूज़ करूँगी। ये है मेरा जूसी केमिस्ट्री का चिली ऑयल, ये मैंने मेरा मंथली फेवरेट में आपको दिखाया था, और ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। मतलब अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है ना तो ये वाला गिफ्ट करो, अगर उस इंसान को हेयर फॉल हो रहा है तो। मेरे ये जगह पे हर वक्त बचपन से ही कभी भी हेयर नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा बेबी हेयर आ गया है, आई गेस आपको दिख रहा है। मतलब अभी थोड़ा सा घना घना लगता है, अदरवाइज मैं ऐसी लगती थी मैं गंजी हुई इस जगह पे, स्पेशली ये जगह और ये जगह, ये वाला एक्चुअली लास्ट में थोड़ा सा बस बचा हुआ, क्योंकि मैं मेरे भाई लोग के साथ भी लगाती हूँ, भाई भी लगाता है यहाँ पे। एक्चुअली हमारा ये जेनेटिकली है कि हमारा ये जो एरिया है ना यहाँ पे बाल मेरा तो है थोड़ा बहुत, लेकिन बड़े भाई का नहीं है, बाल पैच टाइप का ही है इस जगह पे, तो वो भी यूज़ करता है आजकल। और छोटे भाई को भी थोड़ा लगा देती हूँ क्योंकि कह नहीं सकते आज हमारा ऐसा है कल उसको भी हो जाएगा। मेरा और बड़े भाई के अंदर तो ये वाला मैंने देखा है, मम्मी का नहीं है, पैटर्नर फैमिली में आई डोंट नो, मैंने इतना कभी नोटिस नहीं किया है, हो सकता है। ये आप देख सकते हो, ये मेरे बाल हर दिन मैं पानी से धोती हूँ, और उसके बाद मैं आजकल लीव इन भी नहीं लगा रही हूँ। आइडियली ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ दिन ना बस बालों को रेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल बीच में वो स्टोरी मैं आपको और कोई वीडियो पे बताऊंगी कि क्या ऐसा हुआ था जिसके कारण मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ऐसा। आप जब सुनोगे आप डर जाओगे कि मेरे बाल का साथ क्या हुआ था बीच में। मेरी मम्मी का कहना है कि मुझे नज़र लग गया था, लेकिन आई डोंट थिंक कोई नज़र वज़र लगा था, मेरा दवाई का ही साइड इफ़ेक्ट हो रहा था। चिली हेयर ऑयल स्कैल्प पे मसाज करना है, जो मैं करूँगी थोड़ी देर में। अभी मैं लेंथ पे भी थोड़ा लगा लेती हूँ पहले, उसके बाद इकट्ठा करेंगे। तो लेंथ के लिए ये मैं चिली हेयर ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, ये जस्ट स्कैल्प के लिए है। लेंथ के लिए ये मेरा होममेड हेयर ऑयल, इसको भी स्कैल्प पे थोड़ा लगाऊंगी, उसके बाद लेंथ पे लगाऊंगी।
तो एक बात बताओ, सब सो गए हैं और मुझे बहुत भूख लगी थी, मतलब मैंने बस एक ही डोसा खाया था और डोसा भी काफ़ी पतला था, तो शायद मुझे भूख ज़्यादा लग गया था और मैंने ना चिकन खा लिया। सब सो गए, मैं चोर का जैसा जाके दो दो चिकन का लेग पीस था और थोड़ी सा ग्रेवी खा लिया, चावल नहीं खाया लेकिन चिकन खा लिया। तो हमारे घर में ना हर वक्त बोलते हैं कि अगर आप सर पे तेल लगाते हो तो उसके बाद आप थोड़ा सा पानी भी लगाना। आई रियली डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, लेकिन मेरे घर पर सब बोलते कि बस तेल लगा के कहीं पर भी नहीं जाना। तो मैं हमेशा से बालों पे तेल लगाने के बाद थोड़ा सा, मतलब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर मैं लगाती हूँ हर वक्त से, मेरा एक आदत सा ही हो गया है। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ फॉलो करते होगे तो कमेंट करके बताना। थोड़ा सा बस स्कैल्प पे लगाती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं एक हल्का सा मसाज देती हूँ। आज कितना हेयर फॉल हुआ दिखाती हूँ, इतना हेयर फॉल हुआ है और दोपहर में भी थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि दोपहर में आज मैंने बालों पे पानी डाला था, ऊपर से सर से नहाया था, मतलब जस्ट पानी से और कुछ नहीं, तो उस दौरान भी थोड़ा सा हेयर फॉल हुआ था। तो मैं हेयर फॉल के बारे में क्यों स्ट्रेस आउट कर रही हूँ, क्योंकि कल आली लड्डू वाली वीडियो में बोला था ना कि मुझे बहुत हेयर फॉल हुआ था बीच में, मतलब मैं आपको वर्ड्स में नहीं बोल सकती, मेरे बाल आधा चले गए उसमें। वो मेरे कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं था, वो मेरा दवाई का साइड इफ़ेक्ट हुआ था। वो इतना हॉरिबल था ना, मैं आपको अगर कभी मतलब वो वीडियो बनाऊंगी ना तब आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं, क्योंकि मैंने वो बाल रखा है, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता था जब वो बाल चले जाते थे ना। आप यकीन मानो, एक बार में जब मैं बाल को झाड़ती थी, मतलब जस्ट फिंगर कॉम करती थी, जस्ट ऐसे करने से मेरे हाथ पे इतने बाल आ जाते थे। और कुछ हाथ थोड़ा लग भी रहा है कि मेरा बाल का थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया है, तो हाँ हुआ है, लेकिन आई नो आई कैन मैनेज इट। अभी तो हेयर फॉल कम हो गया है, साथ में अभी मैं आलिप की लड्डू ले रही हूँ, थोड़ा सा योगा ये सब थोड़ा सा शुरू किया है, और साथ में और भी जो सारा है मैं जो सब कर रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, मतलब जब इस रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगी तभी। कुछ बोल नहीं रही हूँ उस बारे में ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको एक बार में इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, बस आप लोग इतना सुन लीजिए कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसका रीज़न देखिए कि क्या रीज़न है। तो मैंने रीज़न तो मेरा सही था, लेकिन रीज़न को मैं मतलब ठीक तो नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली दवाई शरीर के सिस्टम के अंदर चले गया है, अब उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो तो भुगतना ही पड़ेगा मुझे। अंडमान में इतना अच्छा डर्मेट नहीं है, मतलब जैसा मुझे चाहिए कि प्रॉपर देखें, तो मैंने खुद ही एनालाइज किया, मैं भी मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मुझे थोड़ा बहुत तो पता ही रहता है। एंड उसके बाद जब मेरे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाया और साथ पे मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस मेरे ऑयल में लाया, उसके बाद सही हो गया। तो मेरा मैजिक हेयर ऑयल भी तब एक्चुअली ख़त्म हो गया था उस दौरान, तो मैजिक हेयर ऑयल भी बना दिया था और उसी वक्त चिली हेयर ऑयल भी आ गया था, दोनों इकट्ठा हो गया और सच में टच उट किया भी ठीक है। तो ये मैं हर रात ऐसा कर रही हूँ तेल लगाकर, हर रात आजकल मैं कर रही हूँ कि तेल लगाती हूँ और उसके बाद चोटी बना के मैं सो जाती हूँ। तो ये डाउन साइड पे आप देख रहे हो बहुत हेयर फॉल हो गया है, मतलब बाल पतला हो गया, हेयर फॉल बोल रही हूँ, बाल पतला हो गया। तो अभी और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, ऐसे ही करूँगी। एंड आई नो कि आई कैन रिजॉल्व दिस इशू बाय माय ओन, क्योंकि मेरा पहले भी ऐसा थोड़ा बहुत होता था और मैं खुद ही ठीक कर लेती थी। ये देखो अभी और थोड़ा सा बाल गिरा, इतना सा, तो उस कंपेरेटिवली वो जो शुरू हुआ था मेरा उसमें से नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है, क्या बोलूँ यार, छोड़ो, बाद में जब वीडियो बनाऊँगी तब मैं बोलूँगी, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये सिंपल सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और उसके साथ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन खुश रहे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।